बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिनेश दुबे और मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा का आगमन हुआ। 23 सितंबर को हरिद्वार के किसान घाट से शुरू होकर 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट तक पैदल यात्रा की समीक्षा बैठक लेने के लिए प्रदेश महासचिव ने जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सभी जिलों के किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातों को कहा। समीक्षा बैठक में यूनियन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष विष्णु देव तिवारी, जिला महासचिव राकेश तिवारी, जिला प्रवक्ता सुरेंद्र दुबे, तहसील अध्यक्ष रामजीत कनौजिया, जिला अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ल, बेला प्रभावती, गेंदा देवी, चांदमती, इंद्रावती सहित भारी संख्या में किसान उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन दिनेश दुबे ने कहा, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हंसी उड़ाने वालों की जय जवान, जय किसान, संघर्ष से बदलेगा हिंदुस्तान। चले गए हैं, उसको पूरा करना है आप लोगों को मिलकर। 23 तारीख से ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से लोगों को जाना है और अपने ही गांव के नहीं, अपने जिले के नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे भारत के किसानों की मांग को हमको, हम सब मिलकर मनवाएंगे। और नहीं उत्तर भारत सरकार को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और अब कुर्सी पर किसानों को बैठने का समय आ गया है, क्योंकि जो भी आता है किसानों को लोभन देकर उनका वोट ले लेता है और उसके बाद किसानों को सुनने वाला नहीं है। मैं आज की जो बैठक यहाँ है, इसी तरह प्रदेश के 75 जिले में बैठक चल रही है। दिनेश कुमार दुबे, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन। मांग हमारी ये है कि किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना उत्तर प्रदेश सरकार ना भारत सरकार। इसलिए किसानों ने एक रणनीति बनाया है, 23 सितंबर से किसान क्रांति पदयात्रा टिकैत घाट हरिद्वार से निकलेगी और 2 अक्टूबर को दिल्ली में समाप्त होगी। उसमें मुख्य उद्देश्य यह है कि रास्ते में किसानों को खाने पीने की सारी व्यवस्था किसानों ने स्वयं की है, शासन प्रशासन से किसानों को कुछ नहीं चाहिए, खाली इतना ही चाहिए, काम चाहिए। किसान अब काम लेने के लिए अपने डंडे लेकर अधिकारियों से काम लेने के लिए तैयार हो गया है। सांसद भवन में जाएगा, गंगा जल वहाँ डाल के उसको पवित्र करेगा और ये किसान आयोग का जो गठन नहीं हुआ है वो गठन कराएगा। किसानों को जो दुर्दशा है, गन्ना मूल अभी तक नहीं मिला है, दूसरा सीजन चीनी मिल चलने को आ गया है, किसान बिल्कुल परेशान है, अपने बच्चों के एडमिशन नहीं करा पाया और किसान तमाम चीज़ों को लेकर किसान परेशान है। गरीबों को इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। अब किसान उग्र होकर आंदोलन करेगा और अपनी मांग को पूरा कराएगा।